हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निशी स्कूल ब्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं ऑमलेट एग नूडल्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इंट्रो के बाद स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। पहले हम एक कंटेनर में 4 एग्स ले लेंगे, 4 अंडे लेंगे इस तरह एक तोड़ के, येलो पोर्शन एंड व्हाइट पोर्शन दोनों एक साथ ही हम ले लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़े से नमक, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़े से काली मिर्च के पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम फेंट लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे 2 टेबलस्पून और चारों तरफ ऑयल को स्प्रेड कर देंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम अंडा, हमने जो मिक्स करके रखा था, फेंट के रखा था, उसको डालेंगे। एकदम से पतला ऑमलेट बनेगा उतना ही क्वांटिटी में हम डालेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। ऑमलेट थोड़ा सा पक गई है, अब एक साइड से इस तरह हम इसको रोल करते जाएंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे इस तरह रोल करते जाएंगे। देन रोल को एक साइड में ले आएंगे और बाकी के जो स्पेस है उसमें बाकी के एग्स ऑमलेट जो हमने बना के रखा है उसको डाल देंगे। फिर धीरे धीरे उसके साथ ही इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा रॉ एग रह जाते हैं तो पैन को इस तरह टिल्ट करके फिर हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह हम 3 या 4 बार सारे मिक्सचर को डाल के हम एग का एक मोटा सा रोल बना लेंगे। ये रोल बन के तैयार है, इसको प्लेट में निकाल देंगे। अब इसको हम इस तरह कट करेंगे। काफ़ी गर्म है ये, एक फोक की मदद से मैं फिर इसको पकड़ के मैं काटूँगी। तो सारे एग्स को हमने काट लिया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह नूडल्स टाइप का एग जो है निकल के बाहर आ रहा है। तो सारे कट करे हुए रोल्स को हम इस तरह खोल देंगे, देन बहुत सारे एग के नूडल्स तैयार हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक पतला सा ऑमलेट बना लेंगे, इस तरह हाथ से फोल्ड कर लेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन पहली वाली तरीका जो है उसमें बहुत सारे नूडल्स एक साथ निकल आते हैं और इसमें आपको पतले पतले ऑमलेट बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, फिर काटना पड़ेगा। इसमें भी उसी तरह के नूडल्स निकल के आ जाते हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1/2 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। देन हम लंबे लंबे कटे हुए एक बड़ा सा प्याज ले लेंगे। बस 1/2 मिनट के लिए इसको सॉटे कर लेंगे। प्याज सॉटे करने के बाद एक बड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे। दोनों को मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। देन 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ऑमलेट में हमने नमक डाल लिया था, तो सिर्फ सब्जी के लिए हम नमक डाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। देन हम डालेंगे 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से। अब हम एग नूडल्स को डालेंगे। देन हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता कटा हुआ। यहाँ पे आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं।
दाने सारे वेजिटेबल्स एंड एग्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है तो ऑमलेट एग नूडल्स बनके तैयार है। इसको एक बॉल में हम निकाल देंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये रेसिपी। रोटी और पराठे के साथ इसको खाने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चों को तो ये डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह का बढ़िया रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको खाने के बाद आप संडे हो या मंडे, रोज आपको अंडे खाने का मन करेगा। और तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और निशी स्कूल ब्लॉग्स को आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।